ग्वालियर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने वाले कंजरों के डेरों पर छापामार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई बराई, नया गांव और घाटी गांव में की गई है, जहां जेसीबी मशीन की मदद से जमीन में गड़े ड्रमों को बाहर निकाला गया है, जिसमें अवैध रूप से भरे भारी मात्रा में गुड़लहान और देशी शराब को बरामद कर मौके पर नष्ट कर दिया गया है। वहीं 5 अलग अलग लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। दरअसल ग्वालियर में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के विक्रय और मदपान के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी मनीष द्विवेदी को सूचना मिली थी कि ग्रामीण इलाके बरई, नया गांव, घाटी गांव में कंजरों के डेरों पर अवैध जहरीली शराब बनाई जा रही है, जिसे लेकर एक टीम बनाकर मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दबिश के दौरान अवैध शराब को बना रहे लोग टीम को देखकर भाग निकले, लेकिन टीम को तलाशी के दौरान पता चला कि अवैध शराब का कारोबार लोगों ने शराब को जमीन में गाड़ रखा है। इसका पता चलने पर मौके पर एक जेसीबी मशीन को बुलाया गया और उसकी मदद से जमीन को खोद कर जमीन में गड़ी शराब को बाहर निकाल कर नष्ट कर दिया गया है। ये नया गाँव, पनिहार और बरई, इन जगहों पर कार्रवाई की गई और घाटी गांव में भी रूटीन कार्रवाई के तहत की गई, जो कंजरों के खिलाफ हम लोग करते रहते हैं, जो कच्ची मदिरा लाहन को नष्ट करते हैं। इसमें कल की गई, इसमें 4000 किलोग्राम गुड़ लाहन और 175 लीटर कच्ची शराब और 25 पाव प्लेनिंग दर्ज किए, 5 प्रकरण दर्ज किए गए। पाँच प्रकरण दर्ज किए, जो होटल ढाबाओं पर भी कार्रवाई की गई, तो वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा ये तो चूँकि शेल्टर इस तरह के रहते हैं, इनके होम्स के देख के भाग जाते हैं पहले ही। तो इसमें क्या सर, ये बनाते हैं रेगुलर, जब 7-8 दिन का समय मिल जाए इनको, अगर हम लोग ना पहुंच पाए तो बना लेते हैं, वो ही अवैध ही है धारण इनका। जमीन के अंदर गाड़ रखा था, बताया जमीन के अंदर ड्रम गाड़ते हैं, जब शराब उतार लेते हैं तो ड्रम में जाके रिफिल कर देते हैं उसको, और फिर जरूरत होने पर जैसे आबकारी की लगातार वहाँ पे दबिश गश्त होती रहती, तो ये लोग प्लेन दिखाते रहते हैं अपने आप को कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, और धीरे से रात में जाके उस ड्रम से निकाल के जितनी मात्रा में इनको चाहिए उतनी बेच के या उसे पिला देते लोगों को।